हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्गिया व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की पीआर के बारे में। दोस्तों, हर साल लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेके, और उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग इंडिया से या अपनी होम कंट्री से ही पीआर लेके जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के पीआर के रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई कर सकते हो, पीआर अप्लाई करने के लिए कितने एक्सपेंसेस आएंगे, और पीआर के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी पीआर आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर के बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट जो है ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी का, आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी स्टडी कर सकते हो, यू विल हैव फुल वर्किंग राइट एज वेल। और जो तीसरा बेनिफिट है, ऑस्ट्रेलिया में 4 साल आप जॉब करने के बाद, 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग राइट्स मिलेंगे, फ्री हेल्थ केयर और मेडिकेयर फैसिलिटी मिलती है, और आपको सारे सोशल सिक्योरिटी राइट्स भी मिलते हैं जो एक जनरली एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के पास रहते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवन आपके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रहती है ऑस्ट्रेलिया के सारे गवर्नमेंट स्कूल में, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो गाइज, अभी बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। जो सबसे पहली वीज़ा कैटेगरी है उसको बोलते हैं सब क्लास 189, जो कि है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो है सब क्लास 190, जो कि है नॉमिनेटेड स्किल्ड वीज़ा। और लास्ट कैटेगरी जिस पे आप ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली मूव कर सकते हो, इसको बोलते हैं सब क्लास 491, ये है रीजनल स्किल्ड वीज़ा। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, ये तीन वीज़ा कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो। तो अभी मैं आपको सबका एक एक करके डिफरेंस बताता हूँ कि इन तीनों वीज़ा कैटेगरीज में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं 189 कैटेगरी की। तो 199 कैटेगरी जो वीज़ा है, ये स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। और इस वीज़ा के लिए दोस्तों, जिसके पास हायर पॉइंट्स रहेंगे उसको ये वीज़ा मिलेगा, ये प्योरली पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। और दूसरी कैटेगरी का वीज़ा है उसको बोलते हैं सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, नॉमिनेटेड वीज़ा, तो अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए नॉमिनेट करती है और वो आपका नॉमिनेशन अप्रूव करती है, तभी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो जनरली जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पब्लिश करती है, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, तब आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना होता है। उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करती है, और अगर आपकी नॉमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर से वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनविटेशन आता है। तो दोस्तों, इस वीज़ा के लिए जो फीस है वो है अप्रॉक्सीमेटली $4,100। उसके अलावा जब स्टेट गवर्नमेंट आपको नॉमिनेशन भेजती है तो आपको नॉमिनेशन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट करना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ नॉमिनल सी फीस रहती है जो कि जनरली 200 से 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहती है। तो दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी का वीज़ा है वो है सब क्लास 491 स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स ए प्रोविजनल वीज़ा। तो दोस्तों, ये एक टेम्प्ररी वीज़ा है जो कि बाद में परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। इस वीज़ा के लिए भी दोस्तों, आपको 190 वीज़ा की तरह जो रीजनल गवर्नमेंट है, वो कोई भी स्टेट है, वो आपको उस रीजन के लिए आपको नॉमिनेट करना चाहिए। अगर आपको
कोई भी स्टेट रीजनल वीज़ा के लिए नॉमिनेट करती है और आपका नॉमिनेशन अप्रूव होता है तो आप 491 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इस वीज़ा को दोस्तों अप्लाई करने के बाद जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है उसकी कुछ अलग से कंडीशन रहती है, वो कंडीशंस मैं अलग एक वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आपको मोटा मोटा ये है कि 3 साल रीजनल एरिया में ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ता है। 3 साल रीजनल एरिया में रहने के बाद और जो भी उस वीज़ा की कंडीशंस है वो मीट करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 3 साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीज़ा में 3 साल के बाद पीआर में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इन तीनों वीज़ा कैटेगरीज में जो मैं आपको बताई हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों जो 189 कैटेगरी वीज़ा है उसमें जब आपको ग्रांट मिलती है तो आप थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया किसी भी स्टेट में जाके सेटल हो सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके जॉब कर सकते हो। बट अगर बात करें 190 वीज़ा कैटेगरी की तो जिस स्टेट ने आपको नॉमिनेट किया रहता है आपको शुरू के 2 साल उसी स्टेट में जाके रहना होता है और आप दूसरी किसी स्टेट में नहीं जा सकते हो। और दो साल के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हो बट शुरू के 2 साल आपको नॉमिनेटेड स्टेट में रहना पड़ता है। और अगर बात करें लास्ट कैटेगरी की जो कि है 491 रीजनल वीज़ा, तो दोस्तों रीजनल वीज़ा में कंडीशन ये है कि आप कोई भी सीबीडी एरिया जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें जॉब नहीं कर सकते हो, सीबीडी एरिया में आप नहीं रह सकते हो। तो आपको जो डिफाइंड जो आपकी वीज़ा अप्रूवल लेटर में मेंशन जो डिफाइंड रीजनल एरियाज़ हैं आपको उन्हीं रीजनल एरियाज़ में ही रहना पड़ता है। वो हर गवर्नमेंट हर ऑस्ट्रेलियन स्टेट की वेबसाइट पे मेंशन रहता है कि आप कौन से पिन कोड्स में रह रहे हो, तो आप रीजनल एरिया के बाहर कहीं और नहीं रह सकते हो। तो ये 491 वीज़ा की एक लिमिटेशन है और आपको शुरू के 3 साल रीजनल एरियाज में ही रहना होता है। आप किसी भी सीबीडी या सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन ये मेन सिटीज़ में नहीं मूव कर सकते हो। ऑल दो अगर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वीज़ा मिलता है तो उसमें आप एडलेड में रह सकते हो। तो एडलेड एक बहुत ही अच्छी सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है, बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आगे जाके हम अभी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से आपको शुरू करना है, एंड टू एंड प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर इंडिया बैठ के ले सकते हो। मैं आपको ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से डोमेन करते हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से स्किल असेसमेंट कराना है। आईटी के अलावा जो दूसरे स्किल्स हैं उसके लिए स्किल असेसमेंट अथॉरिटी एक वेट एसएस भी है, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बहुत सारे ट्रेड वर्कर्स जो हैं उनके लिए स्किल असेसमेंट वेट असेस करती है। स्किल असेसमेंट की फ़ीस जो है $500 से $1,000 के बीच में रहती है। और जो नर्सेज हैं उनके लिए अलग से स्किल असेसमेंट अथॉरिटी है, नर्सेज की स्किल असेसमेंट अथॉरिटी है एनमैक। मैं हर एक वेबसाइट का लिंक जो भी स्किल असेसमेंट अथॉरिटीज़ है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप है आपका स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में जो भी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी है वो आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस इसको वैलिडेट करती है। बेस्ड ऑन दैट दे गिव यू पॉइंट्स और दे एक्सेप्ट योर एक्सपीरियंस और एजुकेशन बेस्ड ऑन द स्किल असेसमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्किल असेसमेंट अथॉरिटी पूरा 10 इयर्स ही कंसिडर करेगी। अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी कंट्री से स्टडी है तो आपके 2 या 3 साल एक्सपीरियंस के वो कट कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस 10 साल का है तो स्किल असेसमेंट अथॉरिटी 6 या 7 साल ही एक्सेप्ट करे। दोस्तों एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंग्लिश टेस्ट को क्लियर करना।
तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आईलेट्स भी एक्सेप्टेड है, पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेड हैं, तो आप कोई सा भी टेस्ट दे सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग पीटीई से ज़्यादा फैमिलियर होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पीटीई का टेस्ट देते हैं। तो जनरली ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अगर आपके 7 ईच बैंड है आईलेट्स में या 65 ईच पीटी में है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पीटीई में 79 ईच एंड आईलेट्स में 8 बैंड ईच है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप हो गया आपका स्किल असेसमेंट, सेकेंड स्टेप हो गया आपका इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना। जब ये दोनों स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के स्किल सेलेक्ट के वेबसाइट पे जाके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बता रहे हो इस स्टेज पे कि मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहता हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते समय आपको अपनी सारी डिटेल्स अपडेट करनी होती हैं। जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो उसके बाद दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इनविटेशन आता है टू अप्लाई योर वीज़ा, टू अप्लाई योर पीआर। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वीज़ा है इसको आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इनविटेशन आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे इनवाइट करेगी। इनवाइट आने के बाद दोस्तों तो प्रोसेस शुरू होता है आपका ऑस्ट्रेलियन पीआर अप्लाई करने का। तो उस टाइम पे दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपना मेडिकल करवाना होता है, इसके साथ में आपको अपना स्किल असेसमेंट का जो टेस्ट है वो भी अपडेट अटैच करना होता है, आपको अपना पासपोर्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस और जो भी आपके स्किल असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के इमी अकाउंट जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो वेट टाइम है, जनरली बिफोर कोविड 2-3 महीने का टाइम था, बट अभी कोविड के बाद लोगों को 2-3 साल बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। होपफुली आने वाले टाइम में ये टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी का। तो जैसे ही आपको पीआर आ जाती है इन तीनों वीज़ा कैटेगरीज में से कोई भी वीज़ा आपको अप्रूव होता है जो भी आपने अप्लाई किया है, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 1 साल का टाइम देती है। उस 1 साल के टाइम के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे यही मोटिवेशन मिलता है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे आपकी तरफ से एक लाइक चाहिए और मुझे चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं इन वीडियोज़ में। जनरली आई ट्राई टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।